नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। अपने वीडियोस में मैं ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा पर नई नई जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। यदि आपको भी ये जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है होठों का आकार और व्यक्ति का व्यक्तित्व। इंसान का चेहरा ही उसकी पहचान होती है। यदि चेहरे को गौर से देखा जाए तो आंखें और होठ चेहरे का बेहद महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिनकी वजह से हम अपने हाव भाव प्रदर्शित कर पाते हैं। आंखों और होठों की बनावट ही व्यक्ति के सौंदर्य और व्यक्तित्व में चार चांद लगाती है। देखिए, वैसे तो बोलने का काम जुबान करती है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति के होठ बोल रहे हों। होठों का रंग, उसका आकार, उनकी कोमलता, रुक्षता, सभी कुछ कुछ ना कुछ कहती है। तो आइए जानते हैं और पढ़ते हैं होठों की भाषा। आकार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ आकार बिंबफल जैसे होठों का माना जाता है। देखिए, बिंबफल को बहुत सी जगह पर कुंदरू भी कहा जाता है। ये एक सामान्य आकार लिए हुए फल होता है। यदि इसको काटा जाए तो इसका रंग अंदर से बेहद लाल होता है। तो यदि इस आकार के और इस रंग के होठ हों तो वो सर्वश्रेष्ठ आकृति के माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर तो लगते ही हैं, साथ ही वो बेहद विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। यदि किसी स्त्री या पुरुष का ऊपर का होठ मोटा और उभार लिए हुए हो, यानी नीचे वाले होठ की तुलना में उसका आकार भरा हुआ या फैला हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति बेहद अस्थिर दिमाग के होते हैं। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग अधिकतर झगड़ालू किस्म के पाए जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। यदि ऊपर की तुलना में नीचे का होठ बड़ा और फैला हुआ सा हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े घमंडी नेचर के होते हैं, और पैसों की तंगी यानी निर्धनता इनका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। ये तो हुई आकार की बात। देखिए, जब दोनों होठ बंद होते हैं यानी आपस में सटते हैं तो एक रेखा दिखाई देती है। हम इसके माध्यम से भी व्यक्ति के भविष्य और उसके स्वभाव का आकलन कर सकते हैं। ये रेखा दो प्रकार की होती है, एक तो सीधी सहज और सरल रेखा और दूसरी लहरदार यानी सर्पाकार आकृति की होती है। जिन व्यक्तियों के होठों के सटने पर सीधी सरल और सहज रेखा बनती है तो ऐसे व्यक्ति बेहद सरल स्वभाव के आदर्शवादी होते हैं और अपनी नीति और बात पर कायम रहते हैं। लहरदार रेखा वाले व्यक्तियों में सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है। वो लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी तो ये बहकावे में आकर आत्मघाती निर्णय भी ले लेते हैं। इनमें अक्सर गलत आते जैसे नशा इत्यादि भी पाए जाते हैं। रंग की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बिंब फल के रंग के होठ बेहद सर्वश्रेष्ठ और सुंदर होते हैं, लेकिन यदि इनका कलर पिंक भी हो तो वो भी उत्तम आकृति के होते हैं। देखिए, वैसे तो होठों का रंग व्यक्ति के स्वयं के रंग पर निर्भर होता है। यानी सांवले व्यक्ति होते हैं तो उनके होठों का रंग हल्का सांवला मिलता है, और गोरे लोग होते हैं तो उनके होठों का रंग थोड़ा सा पिंक या रेड कलर का मिलता है। लेकिन कभी कभी ये विपरीत स्थिति में भी पाया जाता है। देखिए, यदि व्यक्ति की त्वचा का रंग गोरा हो लेकिन उसके होठ हल्की कालीमा लिए हुए हों तो ऐसे व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होते। इनमें स्वार्थ की भावना अधिक होती है और ये कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं करते। इनके बारे में कहा जाए तो ये वो लोग होते हैं जो सोच समझ कर गलत फैसले जीवन में लेते हैं। यदि व्यक्ति का रंग सांवला हो लेकिन उसके होठ, खास करके नीचे का होठ, यदि लालिमा लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति बेहद मिलनसार, तरोताजा और खुश मिजाज होते हैं। इनकी आवाज में एक तरह की मिठास होती है और ये अपने वक्त के और बात के बेहद पाबंद होते हैं। यदि होठ कटे फटे, बेजान, रूखे हों तो ये किसी पेट की या अन्य किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी होठों की भाषा पढ़कर अपने आसपास के लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा पाएंगे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके सफल जीवन जिएंगे। तो ये थी सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर होठों की आकृति के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ।
ऐसी ही नवीन जानकारी के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।